आज गुरु मंडल को नमस्कार करता हूँ। इस गुरु पूर्णिमा की प्रथम दिन आपको मैंने जो आज सुबह साधना दी थी, वह साधना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने स्वयं उन साधकों से करवाई थी जो सिद्धाश्रम को जाना चाहते थे। हिमालय में भी अपने शरीर को सुदृढ़ बनाकर चलने की क्रिया, अपने शरीर को भी अच्छी तरह बनाकर सभी सर्दी गर्मी आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचने की क्रिया को इस विद्या द्वारा, इस साधना द्वारा अपने शरीर को शक्तिमान सर्वसंपन्नवान बना सकते हैं। ऐसी साधना स्वयं शंकर प्रभाषितम भगवान शंकर ने यह साधना सती माता को भी प्रदान की थी। यह साधना, इस साधना आपको देखने के लिए छोटी लगती है, लेकिन भैरव भी इस साधना से ही उतने श्रेष्ठ उतने सुदृढ़ हुए जो किसी को डरते नहीं और किसी पाप पुण्य को गिनते नहीं। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका उन्हें ज्ञान नहीं। वो कहते हैं कि मैं जब जन्म लिया हूँ, मैं जो कर्म कर रहा हूँ, वो कर्म शंकर प्रेरित है, भगवान शिव जी का प्रेरित है, और उस कर्म में पाप पुण्य नहीं होता। मैं पाप किया हूँ तो शिक्षा वो देते हैं, और पुण्य किया तो पुण्य फल देते हैं। कर्म तो मैं करने वाला है। इसलिए हमारे पास दो विधा के लोग होते हैं। कोई भी साधना करने वाले या ब्रह्म को जानने वालों को ब्रह्मचारी कहा गया है, और किसी के सामने झुककर जीने वाले को कर्मचारी कहा गया है। कर्म करने वाले उनको कर्मचारी कहा जाता है, और एक कर्म करने वाले इस तरह होते हैं कि उनको हर एक को झुककर ही रहना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मचारी दिखता नहीं है जो ब्रह्म को जानता है। और इस ब्रह्म को जानने की क्रिया किस तरह होनी चाहिए, क्या करने से इस ब्रह्म को जानते हैं, यह केवल कहते हैं कि पुरुष ही ब्रह्मचारी होता है, स्त्री नहीं होती। लेकिन हमारे पास हमारे ऋषियों की परंपरा में ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों की परंपरा में गार्गी जैसे महान विद्वान ब्रह्मवादिनी ऋषि कहलाए, लोपामुद्रा ऋषि कहलाए, अरुंधति ऋषि कहलाए, और इस तरह मैत्रेयी कात्यायनी जो याज्ञवल्क्य की पत्नियाँ थी वो भी ऋषि परंपरा में कहलाए। हमारे वेदों के अनुसार इन लोगों का नाम भी, इन लोगों का कार्य भी वेदों में दिया जाता है। वेदों में इनके कार्य के बारे में बताया जाता है कि ये स्त्रियाँ कितनी श्रेष्ठ थी, और इनकी श्रेष्ठता के सामने लोग इस प्रकार हार जाते थे। एक बार महाराजा जनक बड़ी विद्वत सभा बनाए थे, सारे ऋषियों को बुलाए थे। ऋषियों को बुलाकर कहा कि मेरे को श्रेष्ठ विद्या कौन सी है, और इस श्रेष्ठ विद्या को बताकर, इस विद्या को श्रेष्ठता के साथ जो बहान कर सकता है, जो बता सकता है, मैं उसको आज सम्मान करूंगा, और उसके सम्मान में मैं उसको ऋषि की श्रेष्ठता का एक इस प्रकार का प्रमाण दूंगा कि वह ऋषियों में श्रेष्ठ है। इसके लिए आपको वाद विवाद करना होगा, और जो जीता उसकी श्रेष्ठता को मैं मानता हूँ। बहुत सारे ऋषि वाद विवाद के लिए आए, उसकी उस परंपरा में याज्ञवल्क्य भी एक ऋषि थे, जिन्होंने ज्ञान को ही श्रेष्ठता के साथ श्रेष्ठता प्रदान करते हुए कहा था, ज्ञान से बढ़कर ब्रह्म विद्या को ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं, जो ब्रह्म ज्ञान रखता है वही ब्रह्म है। ब्राह्मण उसे ही कहा गया है जो ब्रह्म को जानता है। ऐसा नहीं कि हर जन्म लेने वाला ब्राह्मण कह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और ये ब्रह्म को जानने की क्रिया क्या है, ब्रह्म उसे कहते हैं कि सृष्टि में जितनी भी सृष्टि हुई उसको जानने वाला, कीड़े से लेकर छोटे अग्नों से कण से लेकर ऊपर महान से महान चीज तक की सृष्टि किस तरह हुई और उस सृष्टि को किस तरह कर सकता है, इस विद्या को जानने वाले को ब्रह्म कहा गया, ब्राह्मण कहा गया। इसको कितने लोग जानते हैं और इस विद्या को किस तरह जानना चाहिए, तो उस सभा में याज्ञवल्क्य जी बहुत सारे ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देते जा रहे देते जाने के बाद
उसमें ब्रह्मवादी गार्गी भी बैठी हुई थी और सब लोग मानते थे कि गार्गी अपने जीवन को पूर्ण त्यागमय जीवन बताते हुए ब्रह्म को जानने की प्रयास करते हुए पेड़ साधनात्मक जीवन जीते हुए जो हमें मिला उसी के साथ जीते हैं। ब्रह्मवादी या स्त्रियों में आप अगर ब्रह्मर्षि कहा जाए तो उनकी क्रिया इस तरह होती है कि वे अपने ही घर में भिक्षा मांग कर खाते हैं, अपने ही घर में भिक्षा मांग कर खाते हैं और जिस घर में रहते हैं उस घर के ऊपर किसी प्रकार की आंच आने नहीं देते या कष्ट आने नहीं देते। अपने समाज में अपने साथ जीते हैं और अपना जितना भी खाना होता है वे ज़्यादा से ज़्यादा किसी पर्व पर 32 ग्रास खाते हैं और रोज़ के दिनों में 16 ग्रास खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनको ब्रह्म को जानने के लिए संसार में जंगलों में कहीं भी जाना पड़ता है और उस ब्रह्मवादी विद्या में उनको यह बताया गया है कि उनके जीवन की रक्षा वह स्वयं करे और दूसरों की रक्षा करने में भी वह सक्षम हो। इस क्रिया में उनको किस प्रकार आगे बढ़ाया गया, ऋषियों ने इस परंपरा को किस प्रकार आगे बढ़ाया, उनके पिताओं ने उनको किस प्रकार का ज्ञान दिया, यह गार्गी अपने विद्वत विषय में समझाती है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और याज्ञवल्क्य महर्षि उनके साथ साथ जितना भी वाद विवाद हुआ मैं इतना कह सकती हूँ कि याज्ञवल्क्य महर्षि से बढ़कर इस संसार में सर्वश्रेष्ठ विद्यावान कोई नहीं कहलाता। गार्गी के एक कथन पर याज्ञवल्क्य महामुनि उनकी तरफ देखकर कहने लगे कि अगर तुम यह न्याय करती हो या यह जजमेंट यह फैसला करती हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ इसके लिए तुझे मुझे प्रमाण पत्र देने वाले तुम मुझसे ज्ञानी होनी चाहिए, पहले ये निर्णय करके तुम मुझसे ज्ञानी है तब मुझे प्रमाण पत्र दे कि मैं श्रेष्ठ और ज्ञानी हूँ। यज्ञवल्क्य भी जानते कि गार्गी श्रेष्ठ विद्वत्तावान है, विद्वान मान। तब गार्गी ने कहा कि आप प्रश्न पूछो मैं उत्तर देती हूँ या मैं प्रश्न पूछती हूँ आप उत्तर दो, इससे पता चल जाएगा कि कौन श्रेष्ठ है। प्रश्न यही हुआ कि गार्गी ने, मैंने बहुत बार आपको बताया, प्रश्न करना आरंभ किया कि ब्रह्म क्या है। उन्होंने कहा ब्रह्म सृष्टि है, तो ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्म कहता है हर मनुष्य के ज्ञान में ब्रह्म रहता है, अगर मनुष्य नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है क्या? उन्होंने कहा ब्रह्म मनुष्य नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, मनुष्य नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान है। तो इस ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं, मनुष्य को या और किसको? तो ने कहा ज्ञान देने वाला है, ज्ञान लेने वाला को प्राणी मात्र का जन्म होना जरूरी है, नहीं तो ब्रह्म तो है ही इस संसार में, ब्रह्म तो है ही लेकिन जन्म लेने पर ही ज्ञान ले सकते हैं या ज्ञान ले सकते हैं, इसलिए मनुष्य की उत्पत्ति या सृष्टि श्रेष्ठ कहलाई गई। तो आपके हिसाब से आपके इससे मनुष्य ब्रह्म नहीं कहलाता, ज्ञान ब्रह्म कहलाता, हम पृथ्वी पर चलने लगे लेकिन इस जड़ता से जो अग्नि उठने की प्रक्रिया है वो ऋषि लोग जानते हैं। उस ऋषि लोग जानते हैं वो कैसे पहले पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी के ऊपर के झाड़ पेड़ों को खाते हैं, हमारे शरीर को पुष्ट किया, हमने उसके वीर से हमने जन्म लिया, उसके बाद हमें ब्रह्म ज्ञान हुआ। पृथ्वी ने पहले वृक्षों को जन्म दिया, पहले पृथ्वी का जन्म किस तरह हुआ, वो किससे छूट कर पृथ्वी आई, ये पृथ्वी के ऊपर उगने के लिए क्या हुआ, ये सब समझाने गए उन्होंने। जीव लोग सूर्य आदि ग्रह लोग सर्वलोक पाताल लोग ब्रह्म लोग ये सारे लोगों को पहचान कहते हुए कहा। तो माता गांधी ने कहा आपने तो सब कहा लेकिन इन लोगों की सृष्टि कहाँ से हुई? तो उन्होंने कहा कि इन लोगों की सृष्टि शून्य से हुई, शून्य के टकराने से हुई, तो शून्य कहाँ से आया? तब यज्ञवल्क्य ने कहा गार्गी अगर यह जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें शून्य में भेज देता हूँ, तुम शून्य में चली जाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा। गार्गी वहीं रुककर उसने कहा कि मैं शून्य में गई और शून्य में आई, आपका प्रश्न से मैं इतनी सहमत करती हूँ कि शून्य में जाने के बाद मनुष्य अपने आप को खो देता है, उसे अपना ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर ब्रह्मवादी स्त्री हूँ तो स्त्री को माया कहा गया है, फिर ऋषि आप यह बताओ कि स्त्री क्यों ब्रह्मर्षि नहीं हो सकती, क्यों वेद नहीं पढ़ सकती, क्यों साधनाएं नहीं कर सकती और उसमें क्या है? तो यज्ञवल्क्य ने कहा कि स्त्री और गौ में एक ऐसी विद्या है जिसे मधु विद्या कहा गया है और वो मधु विद्या केवल स्त्रियों के पास ही है, पुरुषों के पास नहीं, पुरुष उस विद्या के लिए तड़पता है। उस मधु विद्या का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि जो भी मनुष्य पलता है बढ़ता है तो स्त्री से बढ़ता है, फूल ये स्त्री है,
या स्त्री जिससे दूध निकलता है, गौ मैं जो स्त्री तत्व है उससे दूध निकलता है और वो शरीरस्थ होकर अपने आने वाले लोगों को पालती पूछती है और इस मधु को उनके शरीर से निकलने वाले दूध को हो या उनके शरीर से खून से निकलने वाले मधु को हो उसे मधु विद्या कर रहे हैं। और इस मधु विद्या के ज्ञाता और मधु विद्या को किसी को भी नहीं बताना ऐसे कहने वाले महर्षि इंद्र थे जो सोमपल्ली क्रिया को जानते हुए कहते हैं कि स्त्री को इस विद्या को कभी नहीं देना और न पुरुषों को इस विद्या के बारे में बताना। जो विद्या इस मधु विद्या को जान गई वो संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाएगी, मुझे भी उसके सामने झुकना होगा। उन्होंने कहा ये कैसे? उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस स्त्री को मधु विद्या जानती है वो अपने आप के शरीर को वायु तत्व में विलीन कर सकती है, अग्नि तत्व में विलीन कर सकती है, जल में विलीन कर सकती है, उसके सामने कोई राक्षस खड़े नहीं रह सकता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा जब सती को उनके पिता प्रजापति ने अवमानित किया और वो अपने पति के पास जाने से रही, तब सती ने क्या किया? अपने शरीर से अग्नि की सृष्टि की और अपने अग्नि में विलीन हो गई और उसके शरीर से जो अग्नि शरीर की पवित्रता हुई उसके खंड हुए और वो शक्ति पीठ बनकर पूजे जाते हैं। इस प्रकार इस मधु विद्या को जो स्त्री जानती है उसके सामने देवता भी झुक, उसका इंद्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न कोई राक्षस बिगाड़ सकता है, न कोई बिगाड़ सकता है। इस मधु विद्या को कोई जानता है। इस मधु विद्या को जानने के लिए हम अगर किसी फूल से कोई मकरंद लेता है और उससे मधु निर्माण होता है तो हम हर औषधि में रुचि कहते हैं कि हम हर औषधि के साथ मधु का सेवन करते हैं। मधु है जिसे शहद आप कहते हैं और मधु जिसने मधु का सेवन करते हुए पचाया वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ अग्नि तत्व को जानने वाला कहलाया गया। आज हम वही अगर कहते हैं कि हम राक्षसी तत्व में आ गए इसलिए मधुमेह कहते हुए मधु को हमारे शरीर से निकाल दे रहे हैं, शुगर को निकाल कर फेंक दे रहे हैं और ये मधु अब हमारे में नहीं रहता है। न बात मिली रही, न बोलने की चेष्टा मिली रही, न करने की चेष्टा मिली रही, जिसमें मधुमेह आ गया न वो अपने लोगों के पास से किसी तरह से मिठास से बात कर सकती है, मिठास के साथ रह सकती है, ना अपना अपने में मिठापन रख सकती है क्योंकि उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस मधु विद्या को जानने वाले कितने लोग थे, कुछ व्यक्ति ने मधु विद्या को जाना। आज इस मधु विद्या को जानने के लिए पुरुष को क्या करना चाहिए और स्त्री को क्या करना चाहिए और ये मधु विद्या कहाँ कहलाई गई, यही बात गार्गी और याज्ञवल्क्य की ऋषि में जब बातें चल रही थी तो वहाँ याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थी, एक कात्यायनी और दूसरी मैत्रेयी। गार्गी ने आकर कहा कि महर्षि याज्ञवल्क्य आपकी दो पत्नियाँ हैं, आपने तो इतना सारा साम्राज्य इतना बड़ा आश्रम और सारी चीज़ें रखी हुई है तो आप ये बता दो कि आपकी इस जायदाद के किस तरह बांटोगे दो पत्नियों में? आप तो मधु विद्या के ज्ञाता है, आप तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में चले हो जाएंगे, ज्ञान इसके बाद इनका क्या होगा? तो कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों बैठी, उन्होंने कहा ये प्रश्न मुझसे पूछने से पहले भी आप मेरे दोनों पत्नियों को पूछे। उन्होंने कात्यायनी और मैत्रेयी से पूछा कि आप आज इनके इतने आश्रम है या स्वर्ण का आश्रम भी उन्होंने निर्माण किया है, ये सब इनके पास है, इस आश्रम के आप हिस्सेदार है या इस आश्रम को आप देना चाहते तो दोनों को आधे आधे में दे देंगे या किसी तरह दे? तो कात्यायनी ने कहा कि जो भी मेरे पति मुझे देने में वो लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैत्रेयी ने कहा कि मैं जो वो कहेंगे वो लेने के लिए तैयार हूँ, जो मैं चाहती हूँ उनको चाहती हूँ वो मुझे दे। तो गार्गी ने कहा और यज्ञों को कहते कि तुम क्या चाहती हो? मैत्रेयी ने कहा मुझे ये जायदाद नहीं, मुझे पता है कि शरीर नाशवान है, ये शरीर आज है कल चला जाएगा, इस शरीर के रहते समय बहुत सारे कष्ट सहने पड़ेंगे, अगर मेरे पास धन है तो शत्रु आएंगे, चोर आएंगे, राक्षस आएंगे, सब आएंगे, सताएंगे, इन सभी को देखना और इन सभी के साथ लड़ते लड़ते जीवन चला जाएगा और मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। इसने कहा कि मुझे ऐसी विद्या दो जिसे मधु विद्या कहा गया है, मैं जंगल में भी रहूं तो आनंद के साथ रह सकूं, अगर मुझ पर राक्षस आता है तो मैं वायु तत्व में विलीन हो सकूं, मैं अग्नि तत्व में विलीन हो सकूं, मैं अपने आप को निवसार कर सकूं कि उन पच्चीस तत्वों में विलीन हो सकने की वो क्रिया में मधु विद्या आपके पास भगवान सूर्य से सीखा है। अगर इस विद्या को आप मुझे दे सकते हैं तो इस विद्या को दो, मैं तुम्हारी जायदाद नहीं चाहती, जिस विद्या के कारण मैं कहीं भी जी सकती हूँ और किसी में वृक्ष से वृक्ष बन सकती हूँ और हवा से हवा बन सकती हूँ और जिस प्रकार भी जी सकती हूँ वो जी सकने की क्रिया मुझे सिखा दो। याज्ञवल्क्य ने कहा मैत्रेयी तुमने एक ऐसा प्रश्न किया जो किसी कोई स्त्री इस बात को नहीं जानती कि मधु विद्या का क्या है और मधु विद्या का ज्ञाता मैं हूँ, मैंने सूर्य से विद्या को सीखा है, क्योंकि हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष
जड़ आदि सब कुछ हुए वो सूर्य की किरणों से ही किरण सर्वे की प्रक्रिया से हरापन या रंग आना या कुछ भी आना उसमें होता है। और जो इस संसार में अपने सभी में इस मधुविद्या को जानकर जीता है वो श्रेष्ठ कहलाया है। आज अगर हमने देखा है और सुना भी है कि जितने भी मांसाहारी हैं या जितने भी दूसरे खाने वाले हैं उनमें इस कोरोना वायरस या विषाणु तत्व को एकदम उसमें हावी हो रहे हैं, लेकिन जितने भी वेजिटेरियंस हैं उनके ऊपर हावी नहीं हो रहा। क्या मतलब है इसका, अर्थ क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है?